and welcome back to my channel. This is your mentor Sanyukta Singh and I know I am coming back after so many days and aap sabko pata hai ki NID forms are out and in the upcoming months UCET and NCET ke bhi forms aa jayenge, NIFT ke bhi forms aa jayenge aur aaj ka jo ye topic hai aapko board pe dikh raha hoga one point perspective aur bahut sare bachcho ko aata bhi hoga ye but mere channel pe aise bahut sare students hain jinko iska basic nahi pata hai aur कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब वो नहीं जानते हैं और आपने बहुत सारे चैनल्स पे वन पॉइंट या टू पॉइंट या थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव देखा होगा, पढ़ाने वालों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा. आज मैं आपको अपने चैनल पे अपने तरीके से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बेसिक्स और प्लस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ये आपको एक्सप्लेन करूँगी. छोटे छोटे डेमोज दूंगी कि किस तरीके से आप वन पॉइंट में कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो. क्वेश्चंस कभी कभी थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव से आते हैं NID में, UCET में कई बार टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से आते हैं, थ्री भी आता है और वन भी आता है और कई बार कुछ भी नहीं लिखा होता, इट्स योर व्यू पॉइंट जिससे आप बनाने के लिए आपको बोला जाएगा. सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट विथ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव. एंड आप सबको पता है कि होता क्या है वन पॉइंट. तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इज अ ड्रॉइंग टेक्निक यूज टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेथ ऑन अ फ्लैट सर्फेस. मतलब हमारा जो पेज है दैट इज द 2D, मतलब है 3D, नो डाउट हम उसको उठा सकते हैं पर उसमें डेप्थ थोड़ी कम है, वॉल्यूम थोड़ी कम है, दैट्स व्हाई हम उसको 2D बोलेंगे. और उस 2D सरफेस को, उस फ्लैट सरफेस पे हम डेप्थ कैसे दिखाएं. कन्वर्जिंग ऑल पैरेलल लाइंस, जितने भी लाइंस हम ऑर्थोग्राफिक लाइंस किसको कहते हैं, ऑर्थोगोनल लाइंस, नॉट ग्राफिक बट ऑर्थोगोनल लाइंस. सिंपल आपके जो वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, आपके जो लाइंस डाइवर्ज हो रहे हैं, ये सारे लाइंस जो हैं उसको हम ऑर्थोगोनल लाइंस कहते हैं. एंड ये सारे लाइंस जब एक पॉइंट पे मिल रहे होते हैं उसको हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं. तो टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट ऑन द होराइजन लाइन नोन एज द वैनिशिंग पॉइंट. वॉट इज वैनिशिंग पॉइंट, अब ये छोटे छोटे की वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये की वर्ड्स ना तो सिर्फ आपके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम आएगा पर टू पॉइंट में भी काम आएगा, थ्री पॉइंट में भी काम आएगा. तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, थोड़ी ब्लर हो गई है बट ये रेड कलर का आपको क्रॉस दिख रहा होगा, रेड कलर का जो डॉट दिख रहा होगा आपको, दैट इज द मीटिंग पॉइंट. मतलब हमें लगता है कि दो लाइंस जाकर के कहीं मीट कर रही हैं बट ये एक इल्यूजन होता है, मीट करती नहीं है और उस पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट. तो आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे जब आप वॉक करते हो या आप कुछ ऐसे जगह पे अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो जहाँ पे दोनों तरफ से पेड़ है या फिर पोल्स हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं और वो बहुत दूर तक सेम वैसा ही पैटर्न गया हुआ है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो मीट हो रही हैं बट ऐसा होता नहीं है, दैट इज़ अ इल्यूजन. तो ये एक वैनिशिंग पॉइंट जो है ये भी एक इल्यूजन है, हमें लगता है कि दैट इज़ द टू लाइन्स आर मीटिंग बट दे आर नॉट मीटिंग. Moving on, at some of the important words, the first one is horizon line. It represents the viewer's eye level and divides the scene into sky and ground. It is the anchor for the perspective. मतलब क्या, अब देखो मैं यहाँ पे बैक स्लाइड पे आऊंगी बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूंगी. जैसे कि अभी जिसकी बात हुई है वो ये बात है, अगर ये आपका पेपर है और आप सबसे पहला स्टेप जो हम वन पॉइंट टू पॉइंट या थ्री पॉइंट बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं. अब ये लाइन आपकी मिडिल ऑफ द पेज पे भी हो सकती है, ये लाइन आपकी यहाँ भी हो सकती है, ये लाइन आपकी यहाँ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं. अगर हम खड़े होकर के देख रहे हैं तो हमारा वैनिशिंग पॉइंट, हमारा होराइजन लाइन ये होगा. अगर हम लेट करके देख रहे हैं तो हमारा होराइजन लाइन कुछ यहाँ हो सकता है. ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे बताया कि होराइजन लाइन क्या होता है. सिमिलरली वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि दो लाइंस मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, वो वैनिशिंग पॉइंट है. ऑर्थोगोनल लाइंस क्या हैं, जितनी भी लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं इस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में, चाहे वो डाइवर्जिंग लाइंस हो, चाहे वो वर्टिकल लाइंस हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, वो सारे कहलाएंगे आपके ऑर्थोगोनल लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, अब ये ऑर्थोगोनल लाइंस जो है वो दे आर पैरेलल इन रियल लाइफ बट अपीयर टू कन्वर्ज, मतलब हमें लगता है कि वो कन्वर्ज हो रही हैं बट वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ टेढ़ा जा रहा है, वो जा सीधा ही रहा है, हमें वो विजिबल हो रहा है कि वो मीट हो रहा है. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब अब एक कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा अगर आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो एंड टू पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो वो मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में ड्रॉ करके भी बताऊंगी प्लस मैं आपको वो
वो चीज कॉपी पे भी बताऊंगी. पहले हम इन कीवर्ड्स को देख लेते हैं. होराइजन लाइन इक्वल टू आई लेवल. जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मैं खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल सामने देख रही हूँ तो ये मेरा पूरा कैनवस है और बिल्कुल बीच में मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो लाइन जा रही है वो मेरा आई लेवल है, वो मेरा होराइजन लाइन है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द सीन इज रिलेटेड टू दिस होराइजन लाइन. फॉर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अबव द आई लेवल एंड बिलो द आई लेवल. अच्छा, अबव द आई लेवल एंड बिलो द आई लेवल क्या होता है? अगर मान लो कि मैं नीचे बैठ करके, अगर मैं नीचे बैठ करके ऊपर देख रही हूँ तो मेरा जो होराइजन लाइन है वो कहीं ऊपर चला गया है. होराइजन लाइन के ऊपर देख रही हूँ तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का नीचे का एरिया दिखेगा, ऊपर का एरिया नहीं दिखेगा. आप इमेजिन करो कि ये जो पेन है, ये पेन अगर मेरे यहाँ पे है और मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये पार्ट दिख रहा है, मुझे ये पार्ट दिख रहा है, पर ऊपर का पार्ट मुझे नहीं दिख रहा है. सिमिलरली अगर मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे ऊपर का पार्ट दिख रहा है, मुझे नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है. बस यही है अबव द आई लेवल एंड बिलो द आई लेवल. तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द सीन इज रिलेटेड टू दिस होराइजन लाइन. फॉर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अबव द आई लेवल विल बी सीन फ्रॉम बिलो. मतलब नीचे से अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ तो हमें नीचे का पॉइंट दिख रहा है. तो ऑब्जेक्ट अबव द आई लेवल, मेरा आई लेवल तो इतना ही है लेकिन मैं ऐसे सर करके देख रही हूँ ऊपर तो मुझे ये पोर्शन दिखेगा. एंड वाइल ऑब्जेक्ट्स बिलो द आई लेवल विल बी सीन फ्रॉम द अबव. मतलब अगर ये मेरा होराइजन लाइन है और मैं कहीं यहाँ पे हूँ और ये इसके नीचे ऑब्जेक्ट है तो फिर मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ऊपर का पार्ट दिख रहा है. मैंने आपको यही समझाया. सेकेंड, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू द आई लेवल. अबव द आई लेवल ऑब्जेक्ट्स अबव द होराइजन लाइन लाइक सीलिंग्स और टॉलर बिल्डिंग्स आर सीन बिलो. You'll see the bottom of these objects. तो आपको इस तरीके से दिखेगा. Below the eye level में क्या होता है? Objects below the horizon, मतलब horizon line के नीचे जो objects हैं, like tables, roads और ground level items are viewed from above. मतलब वो horizon line के नीचे है, आप छत पे बैठे हो तो आपको क्या दिख रहा है? Top of these objects. तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बताया है. On the eye level, objects aligned with the horizon line. Object जो बिल्कुल मेरे eye level पे है, जो बिल्कुल horizon पे है, such as distant line or trees or buildings will be viewed straight on with no visible top and bottom. मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने मेरा DSLR है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपका फ्रिज रखा है और आप बिल्कुल सीधे में खड़े हो तो आपको उसका फ्रंट फेस दिखेगा ना, तो आपका आपको उसको ऊपर का पार्ट दिखेगा अच्छे से और नीचे का तो बिल्कुल नहीं दिखेगा. तो इस तरीके से अगर आपकी हाइट पे वैरी करता है, अगर आपकी हाइट छोटी है और वो ऑब्जेक्ट भी आपके आई लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो आपको उसको ऊपर का पार्ट दिखेगा. अगर आपके आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर है वो ऑब्जेक्ट तो आपको उसका ना तो टॉप दिखेगा ना तो बॉटम दिखेगा. सो बेसिकली ये पूरे फंडामेंटल्स हैं आपके पर्सपेक्टिव के, अबव द आई लेवल एंड बिलो द आई लेवल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलिए अब मैं आपको पहले बोर्ड पे कुछ समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपीज और पेंसिल से यहाँ पे समझाऊंगी. ये मैं ऐसा इसलिए करूंगी क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बोर्ड पे ये चीज बनाने को नहीं आएगा, आपको कॉपी और पेंसिल से उस चीज को बनाना होगा. तो कहाँ से इनिशिएट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू आवर बोर्ड. जैसे कि अगर आपका ये होराइजन है, अगर आई लेवल पे है, अगर ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है मान लीजिए, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नीचे दिख रहा है तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको मेजर फेस दिखता है. अगर आप मेरे इस सेंटेंस को नहीं भूलोगे तो आप कभी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव गलत नहीं करोगे. मेजर मतलब अगर मैं सामने से खड़ी हूं तो मैं आपको पूरी पूरी दिख रही हूं. अगर मेरा ये व्यू है आपको ये टू पॉइंट में दिखेगा. तो टू पॉइंट अभी हम कर नहीं रहे, हम वन पॉइंट को कर रहे हैं. वन पॉइंट में आपको याद रखना है कि आपको मेजर फेस दिखने वाला है. जैसे कि अगर हम क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये शेप ले लिया है, आपको पता होगा शेप एंड फॉर्म में क्या डिफरेंस है. शेप 2D होता है, फॉर्म 3D होता है. फॉर्म में वॉल्यूम होती है और डेप्थ होता है. तो अगर मैंने ये शेप ले लिया है और अगर ये मेरा वैनिशिंग पॉइंट है तो क्या है पहला स्टेप हमारा, हमें ये जो एंड्स हैं इसको वैनिशिंग पॉइंट से मिलाना है, काइंड ऑफ इस तरीके से. अब जब हम ये शेप लेते हैं आपको हमेशा वन पॉइंट में एक चीज याद रखनी है कि लाइंस आपकी वैनिशिंग पॉइंट से जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको इसके
और इसके पैरेलल में कुछ बनाना है तो आप हमेशा होराइजन के पैरेलल लोगे और अपने परपेंडिकुलर आपकी चीज़ें बिल्कुल जाएंगी जो स्ट्रेट जानी है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो तीन चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेन फेस जो आप ले रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वन पॉइंट में हम मेन फेस लेते हैं। सेकेंड, पैरेलल टू होराइजन। एंड थर्ड, परपेंडिकुलर। अब जैसे कि मेरा ये है, ये मैंने जो शेप लिया है, अब मुझे इसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऑपोजिट मतलब इसके पैरेलल में मैं ये इसके पैरेलल एक लाइन लूँगी विच इज़ दिस वन, और इसी के पैरेलल मैं एक लाइन लूँगी विच इज़ दिस वन। अब ये ऑटोमेटिकली इससे मेरा मिल रहा है और ये इससे मेरा मिल रहा है, तो मेरा ये शेप बन करके तैयार हो जाएगा। देखो, इस तरीके से आपको बहुत सारे शेप्स की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो। सॉरी फॉर द साउंड, वन सेकेंड। अगर आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको बेसिक शेप्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये शेप्स आपके कहीं पे भी हो सकते हैं पूरे पेपर पे, आप यहाँ पे ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो, कहीं पे भी लो। ये अबव द होराइजन है, ये बिलो द होराइजन है, ठीक है। तो अब जब भी हमने ये कुछ शेप्स ले लिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वैनिशिंग पॉइंट ये है तो ये इसी से मीट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो, आपका व्यू ऊपर है, तो आपको नीचे का पार्ट दिखेगा विच इज़ दिस वन, ये इसके पैरेलल जाएगा और ये इसके पैरेलल जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। तो ये कुछ नीचे का पार्ट ऐसा आपका दिखने वाला है, ठीक है। तो ये तो मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, वाइट बोर्ड पे बना रही हूँ, इसलिए इतना क्लियर नहीं है। अब मैं आपको यही चीज़ कॉपी पे बना करके दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे मैं आपको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक्स बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोच रखोगे। तो सबसे पहले हमने बनाई है होराइजन लाइन और हमने ले लिया है अपना वैनिशिंग पॉइंट, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया था और स्क्वायर का बिल्कुल फ्रंट फेस मैंने यहाँ पे दिखाया है, और मैंने जो कॉर्नर्स थे उसको लाइंस, उसकी लाइंस को मीट करवाया है वैनिशिंग पॉइंट से, जिसको हम डाइवर्जिंग लाइंस भी कहते हैं और ऑर्थोगोनल लाइंस भी कहते हैं। तो पहला वाला जो मैंने बनाया क्यूबॉइड, वो मैंने आप क्यूब बनाया है, एक्चुअली नहीं क्यूबॉइड ही है, तो वो मैंने आपको स्केल से बना करके दिखाया। तो आप बिगनर हो अगर तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि आप स्केल अवॉइड करना। अगर आप बेसिक्स लाइंस की प्रैक्टिस कर ली है आपने और अगर आपको लाइन क्वालिटी आपकी अच्छी है, तो हमें पर्सपेक्टिव कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको सिंगल हैंडेडली विदाउट यूजिंग स्केल बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर आप स्केल यूज़ ना करो तो। तो पहले अगर आप बिगनर हो तो आप नॉर्मल स्केल को यूज़ करके बना सकते हो, सेकेंड आप खुद से विदाउट स्केल बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको मेरी लिपस्टिक नायका की एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, जो कि अगेन इंस्पायर्ड है अगर आप इसका शेप देखो तो क्यूबॉइड से, लेकिन अगर मैं इसकी कैप की बात करूँ तो अगेन दैट इज़ अ क्यूब। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सराउंडिंग में हैं आप उसको ले करके ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और उसका अप्रोच आपको क्या रखना है, आपने सबसे पहले होराइजन लाइन लेनी है, वैनिशिंग पॉइंट लेना है, फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाना है, सामने से फ्रंट आप बनाइए। अब आप देखो उसको किस तरीके से कैरी कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कैरी कर रहे हो कि वर्टिकल कैरी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस तरीके से कैरी किया है, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा था और यहाँ पे मैंने वो क्यूबॉइड बनाया है सिंपली। आप चाहो तो इसको खोल के भी बना सकते हो, इनफैक्ट अंदर सिलेंड्रिकल पार्ट है तो वो भी आप इसी डायमेंशंस पे बना सकते हो, होराइजन से आप उसको अटैच कर सकते हो वैनिशिंग पॉइंट से। एंड अगर आप देखो ध्यान से तो इस पे नायका लिखा हुआ है। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका भी आप ये देखो कि किस तरीके से मैंने लाइंस को वैनिशिंग पॉइंट से मिलाया है, तो आपको लिखना भी ऐसे है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ
कि एक्चुअली में हम टाइपोग्राफी कैसे करते हैं, अगर हम उसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप होराइजन लाइन ले लोगे, उसके ऊपर आप वैनिशिंग पॉइंट ले लोगे। अब ये जो वैनिशिंग पॉइंट लिया है मैंने बिल्कुल मिड में लिया है, आप उसको लेफ्ट या राइट में भी ले सकते हो, जिस भी एंगल से लोगे आपकी डेप्थ उसी एंगल से बनेगी। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे ऑर्थोगोनल लाइंस यहाँ पर बना लिए हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंट लाइंस यहाँ पर बना लिए हैं। उसके बाद मैं अपने होराइजन के पैरेलल मल्टीपल लाइंस को ड्रॉ करूँगी और आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पे डेप्थ दिख रही है। तो अब आप कोई भी लेटर ले सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ई लेकर के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हाउ आर यू गोइंग टू सेट दीज लाइंस, सेट योर लेटर ऑन दीज लाइंस एक्चुअली। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ई लिखा है, आप वाई लिख सकते हो, के लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। तो इसका आई विल ट्राई टू मेक अ सेशन फॉर यू ऑल जहाँ पे मैं आपको एस लिखना भी सिखाऊंगी, कर्व्स कैसे देते हैं वो भी सिखाऊंगी और सर्कल कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए ये बेसिक्स था, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए भी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एंड नेक्स्ट आई विल बी कमिंग विद द टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आपने देखा कि किस तरीके से कॉपी पे मैंने आपको ये चीज़ें बना करके दिखाई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी पे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आप ये देख लो। सबसे पहले आपको होराइजन लाइन बनाना है, पोजिशन दिस लाइन टू रिफ्लेक्ट योर डिजायर्ड आई लेवल। सेकेंड आपको क्या करना है, मार्क द वैनिशिंग पॉइंट, प्लेस अ डॉट ऑन द होराइजन लाइन वेयर ऑल डेप्थ लाइंस विल कन्वर्ज। नंबर थ्री, ड्रॉ ऑर्थोगोनल लाइंस, स्केच लाइंस फ्रॉम द वैनिशिंग पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिसीडिंग इनटू द डिस्टेंस। मतलब मैं इसकी बात कर रही हूं, एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट से जो लाइन जाती है वो आपकी कहलाती है ऑर्थोगोनल लाइंस। नंबर फोर, ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एट द आउटलाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्ट्रेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस वेयर अप्रोप्रिएट्स। नंबर फिफ्थ, फिनिश विद डिटेल, मतलब जब आपने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव कंप्लीट कर लिया होगा, जब आपने पेंसिल से बना लिया होगा, टेक्निकलिटीज उसकी सही होंगी, तो आप उसमें थोड़ी बहुत शेडिंग, थोड़ी बहुत रेंडरिंग कर सकते हो टू ऐड एस्थेटिक टू दैट योर क्रिएटिव जो भी आप आर्ट बनाए हो। नाउ दिस मेथड इज ऑफन यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स और हॉलवेज वेयर द सीन रिसीड्स इन टू द डिस्टेंस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द व्यूअर। अब आप कोई भी फर्नीचर बना सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप रेलवे स्टेशन का सीन बना सकते हो, मेट्रो का सीन बना सकते हो, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप कोई रोड व्यू बना सकते हो। तो देर आर मेनी कॉम्पोजिशंस विच यू कैन कंपोज विद द यूज ऑफ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो अभी मैं आपको एक दो सॉल्यूशंस और एक दो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी कि वन पॉइंट में किस तरीके से आप इन कॉम्पोजिशंस को बना सकते हो। एंड येस, दैट्स इट फॉर द सेशन। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट, डू लाइक इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम अप विद द फंडामेंटल्स ऑफ टू पॉइंट पर्सपेक्टिव टू, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो समझ में आए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश तो करते हैं बट उनकी लाइन्स वैनिशिंग पॉइंट से मिल नहीं रही होती, कहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, कहाँ पे पैरेलल लाइंस लेनी है, ये उनको बिल्कुल पता नहीं होता, जिस वजह से वो गलतियाँ करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मुझे आपके सामने लाने थे सो दैट कि आप बहुत ही टेक्निकली करेक्ट हो पाओ जब आप वन पॉइंट एंड टू पॉइंट बना रहे हो। सो दैट्स इट, दिस वॉज योर मेंटर संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, मेट्रो स्टेशन का व्यू है और यहाँ की वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है। ये बिल्कुल आई लेवल पे बनी हुई है, मेरी हाइट पे बनी हुई है और बिल्कुल सेंटर में राइट हैंड साइड पे इसका वैनिशिंग पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये सारी लाइंस मीट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मीट हो रही हैं और इस तरीके से आप किसी भी व्यू को वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना सकते हो, किसी फर्नीचर को बना सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग जो आप वन पॉइंट में बना सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से एंड अपने काम को मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए।